हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की डीओई की तरफ से आपको जो मिशन मैथमेटिक की वर्कशीट मिलती है ना, तो यहाँ पर मैंने 27 अगस्त की वर्कशीट लगा रखी है जिसमें आज हम स्क्वायर रूट का टॉपिक सीखने वाले हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से। देखो, एक छोटा सा इन्होंने एग्जाम्पल लिया यहाँ पर 1204, इसको लॉन्ग डिवीज़न मेथड से सिखाया गया है। तब हम यहाँ पर सीखते हैं ये 1204 का कैसे निकालेंगे। तीन या चार ही स्टेप्स हैं, इनको बिल्कुल याद रखना। वैसे हमने इस चैप्टर को एनसीईआरटी से किया था, तब ये पूरा टॉपिक सीखा है, वो चैनल पे अपलोड है, वहाँ ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, तो आप वहाँ से भी इस चैप्टर को ज़रूर कर लेना। देखो, सबसे पहला स्टेप है पेयरिंग करना, दो दो की पेयरिंग पीछे से करनी है। अब यहाँ पर जो फर्स्ट पेयर है वो 10 है, 10 से छोटा कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर देख लो, और अगर 10 ही परफेक्ट स्क्वायर है तो आप उसे भी लिख सकते हो। तो 10 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर 3 3 9 होता है, 10 में से 9 गया 1, और ये पूरा पेयर नीचे कैरी हो जाएगा, और इस 3 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर डबल, मतलब 2 से मल्टीप्लाई, 3 2 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर और यहाँ पर सेम नंबर लिखना है कि मल्टीप्लाई करके आपका 124 आ जाए, तो ऐसा कौन सा नंबर लिखे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 2 से करके देख लिया, दोनों साइड देखो सेम ही नंबर लिखा है, 2 2 4 6 2 12 आ रहा है ना, तो 2 यहाँ लिख दिया और वही 2 यहाँ लिख दिया, तो ये आ गया 124, आंसर आ गया 0 का, मतलब 1024 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना है, 32 है। 32 को दो बार मल्टीप्लाई करोगे तो 102 आ जाएगा, 24 आ जाएगा, ठीक है। तो दो तीन स्टेप हैं ये स्क्वायर रूट वाले में, लॉन्ग डिवीजन में, इनको एक बार याद कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करो इस टॉपिक के, कि अपने आप ही ये माइंड में सेट हो जाएंगे तीनों चारों स्टेप, क्लियर है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में हम अपनी नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। थैंक यू।